हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको ओपन फास्टिंग लगा के बताऊंगा। ओपन फास्टिंग क्या होता है, इसका इसको अनबॉक्सिंग करके आपको लगा के पूरा आपको डिटेल के साथ में बताऊंगा। तो मेरे वीडियो के साथ में बने रहिए, और हाँ, अगर अभी तक चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप उसे प्रेस करके चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ओपन फास्टिंग का जो अंदर जो जो पार्ट्स दिया हुआ है उसको खोल के लगा लूंगा, क्योंकि फास्टिंग का ओपन फास्टिंग का तो जो होता है बल्क होता है इसमें। और तो इसको आपको ऐसे खोल के सबसे पहले आपको लगाना पड़ता है, तो मैं आपको बताऊंगा लगाकर। ये बल्क है दोस्तों, बल्क लगाने के लिए इसमें दोनों साइड में इसका होल होता है। आप लेफ्ट या राइट साइड दोनों कोई भी एक साइड आप लगा सकते हो आपके पॉइंट के हिसाब से। ओपन फास्टिंग लगाने के लिए दोस्तों आपको एक पॉइंट अलग से एक पॉइंट रखना पड़ता है दीवार के पीछे साइड में, नीचे से 3 फीट हाइट पे, सेंटर से 28 दूरी पे। कॉमट का जो सेंटर होता है सॉरी कॉमट का जो आउटलेट का पॉइंट होता है उसका सेंटर से आपको मिनिमम 1.5 फीट दूर और नीचे से हाइट से फ्लोरिंग का टॉप लेवल से आपको 3 फीट ऊपर एक पॉइंट देना पड़ता है ओपन फास्टिंग लगाने के लिए। इसका इनलेट, पानी का इनलेट लेने के लिए। दूसरा ऐसे आपको बॉल कोक का जो जाम नट है नीचे अंदर के साइड से वासा अंदर आएगा और नट बाहर आएगा। लगाकर ये बॉल है, बॉल को आपको लगा लेना है। और इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके एक बार देख लेना है जो ये सही से ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। ऐसे आपको अंदर कहीं नड़ना नहीं चाहिए, ये तो ऊपर नीचे नहीं होगा। और इसके अंदर वाइसर दिया हुआ है और ये दूसरा होल में लग जाएगा, क्योंकि दोनों होल है, कोई भी एक साइड में ले सकते हो लेफ्ट या राइट साइड में। और दूसरा को कवर करने के लिए एक हैंड क्लिप दिया हुआ है और एक क्लिप और स्क्रू और वाशर दिया हुआ है और एक कैटलॉग दिया हुआ है इसमें, इसका बॉल को क्या कैसे सेटिंग करते हैं इसके बारे में कैटलॉग में भी दिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको मार्केट लेने के लिए सबसे पहले ओपन फास्टिंग होता है। ओपन फास्टिंग का ऐसे पहले आपको सैंपल में अलग अलग लगा लेना है। ऐसे लूज ट्राई कर लेना है। सबसे पहले मार्किंग लेने के लिए आपको बैंड पेप को लगा लेना है और साइफिन नट को ऐसे टाइट कर लेना है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों ऐसे आपको लगाने के बाद में आपको जो एस कॉमोड जो ये होता है उसके अंदर जो कितना जाएगा उसके हिसाब से आपको काट लेना है दाग लेकर, और ऐसे आपको फ्लास्टिंग लगा लेना है और लेवल बटली रख देना है इसके ऊपर। लेवल बटली लेवल होना चाहिए। उसके बाद में आपको ऐसे आपको मार्क ले लेना है दीवार के चारों जो फ्लास्टिंग जहाँ पे आता है उसके ऊपर के साइड, और ऐसे आपको दाग ले लेना है। दाग लेने के बाद में जो क्लिप होता है आपको क्लिप का सेंटर निकालना है। ऊपर से स्क्रू का सेंटर ये जैसा सवा इंच जैसा आ रहा है। और उसके बाद में आपको दीवार से आपको नाप लेना है, दीवार से जो डब्ल्यूसी का पॉइंट होता है उसके हिसाब से आपको सेंटर निकाल लेना है। दीवार से आपको नाप लेना है, ये मेरा जो है दीवार से 115.5 इंच आ रहा है सेंटर, ये हो गया फास्टिंग का आपका सेंटर। और उसी सेंटर से आपको नाप निकालना है, मैं आपको बताऊंगा अभी नाप निकाल कर। ये सेंटर हो गया और उस सेंटर से आपको जो क्लिप है जहाँ पे आपको ड्रिलिंग होगा वहां पे आपको वहां से आपको नाप लेना है उसका सेंटर। ये देख रहे हो क्लिप का सेंटर आ रहा है, सेंटर से प्लास्टिंग का जो सेंटर है उससे
चेंज, तो इस हिसाब से मैं ऊपर ये चेंज मार्क मार लूंगा, इधर साइड उधर साइड दोनों साइड ये चेंज चेंज मतलब बाहर जैसा आ रहा है, सेंटर टू सेंटर 12 इंच, यहाँ पे चेंज, इधर साइड चेंज और उधर साइड चेंज, ये लेफ्ट साइड में चेंज और राइट साइड में चेंज, जैसा आपको नाक ले लेना है। ये आ गया चेंज, उसके बाद में आपको दाग को थोड़ा बड़ा लंबा कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ, और ऊपर से ये जो आ रहा है ऊपर से 40 mm जैसा, ऊपर से आपको ऐसे प्लास कर देना है क्योंकि वो टॉप लेवल है प्लास्टरिंग का, उससे आपको क्लिप का नाप लेकर ऐसे प्लास कर देना है। ये हो गया ड्रिलिंग का मार्किंग, ये दोनों क्लिप का मार्किंग आ गया सेंटर सेंटर, दोस्तों आप आसानी से ऐसे लगा सकते हो प्लास्टरिंग को। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैंने जो ड्रिलिंग करके मैं स्क्रू टाइट करके और प्लास्टरिंग को भी लगा के बताऊंगा। दोस्तों ड्रिलिंग करने के लिए आपको ड्रिलिंग का जो पाना होता है उसको आपको 5 mm का रखना है, 5 या 6 mm का रखोगे भी तो चलेगा, और ड्रिलिंग करते समय आपको हैमर को थोड़ा जीरो कर लेना है, वाइब्रेशन को जीरो कर लेना है, क्योंकि अगर वाइब्रेशन रहता है तो ड्रिल थोड़ा छिटक जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो आपका टाइल्स क्रेक हो सकते हैं ऊपर नीचे, या फिर आपको थोड़ा राब करके ऐसे ड्रिल कर लेना है। ड्रिल करने के बाद में आपको स्क्रू का एक बार नाप ले लेना है सैंपल में, तो आपका जो स्क्रू है कितना अंदर जाएगा दीवार के, इसके हिसाब से आपको ड्रिल कर लेना है। ये देख रहे हो ये आ गया, थोड़ा बहुत और भी करना पड़ेगा इसमें ड्रिल। और ड्रिल हो गया, उसके बाद में आपको डट्टा लगाना लगा लेना है। दोस्तों डट्टा जरूर लगाइएगा क्योंकि प्लास्टिक का होता है, तो इसमें जो डट्टा होता है अंदर जाने के बाद में ये फूल जाता है और टाइट हो जाता है, बहुत कोई भाई लकड़ी से लगा देता है, डट्टों को फेंक देता है, यार डट्टा को जरूर लगाइएगा, ये लकड़ी क्या है कुछ दिन बाद निकल जाने का चांस रहता है, वो अंदर पानी चला जाता है निकल के आ जाता है, इसीलिए डट्टा देना बहुत जरूरी है प्लास्टिक का। तो दोनों क्लिप को ऐसे आपको टाइट कर लेना है जैसे मैं टाइट कर रहा हूँ, टाइट करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा अभी प्लास्टिक लगाकर। ओके, ऐसे स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेना है, टाइट करने के बाद में आपको जो क्लिप होता है हिंज, उसको आपको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद में दोस्तों वाशर से ऐसे लुब्रिकेंट देकर जो बेंड पाइप है प्लास्टिंग का उसको आपको लगा लेना है सबसे पहले, इसमें अगर आप वाशर देते तो इसमें सीमेंट पीछे सीमेंट या सिलिकॉन कुछ देने का कोई जरूरत नहीं होता है, वाशर से आसानी से काम हो जाता है। लग गया बैंड पाइप लगने के बाद आपको प्लास्टिंग को क्या करना है, प्लास्टिंग को ऊपर से क्लिप का सेंटर देखकर ऊपर से सीधा देखकर आपको ऊपर से लगा लेना है। लग गया, लग गया, लगने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जो साइफेन साइफेन का जो ये दिया हुआ साइफेन नट जो होता है उसको आपको टाइट कर लेना है ऐसे। उसके बाद में इनलेट के लिए मेरा जो पॉइंट है लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो इनलेट के लिए और इसको हेक्स केबल से मैं लगा रहा हूँ, इसमें एंगल वो इसीलिए नहीं दिया हुआ है दोस्तों, उसके लिए एक पर्सनल कॉक ऑलरेडी दिया हुआ है चालू बंद करने के लिए, और ये मेरा फ्लास चालू हो गया आप देख रहे हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।